हेलो हाय फ्रेंड्स, मायसेल्फ गुंसन, यू आर वाचिंग लॉगम लेट टाइम फॉर मैथमेटिक्स। गाइस, आज हम हमारी जो कारमांस मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन हमने फाइंड की थी उसको, और उसके बाद जो हमने शेप फैक्टर और बाकी चीज़ें को जो कारमांस पॉल हासन मेथड के द्वारा हमने फाइंड की थी उनको लेकर अब एक और एक नया फंक्शन हम डिफाइंड करेंगे जो इससे रिलेटेड आखिरी टॉपिक होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमें सबसे पहले डेल्टा वन, ठीक है, उस वेलोसिटी थिकनेस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है जीरो से डेल वन माइनस यू अपॉन यू डी वाई। ठीक है, और इस फॉर्मूले को मैं पहले कन्वर्ट करना होगा नीटा में, क्योंकि हमारा यू अपॉन जो यू है वो हमने इस तरह से फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इससे लास्ट लेक्चर में हमने फाइंड किया था। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो चीज है, ठीक है, इस तरीके से इसको इंटीग्रेट करना है हमको, यानी नीटा के रेस्पेक्ट में करना है। तो हमें इस डी वाई इंटीग्रेशन को किस में चेंज करना पड़ेगा, डी नीटा में। उसके लिए हमारे पास नीटा और वाई में ये रिलेशन होता है, हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या आता है, डी नीटा डेल इज इक्वल टू डी वाई। ठीक है, यहां से आ जाएगा, यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लिमिट कैसे चेंज होगी, जीरो पर जीरो, ठीक है, जीरो पर जीरो, और डेल पर डेल यहां पर रखेंगे तो वन आ जाएगा। ठीक है, तो नीटा की लिमिट कहां से कहां जाएगी, जीरो से लेकर वन जाएगी। ठीक है, ये लिमिट हो गई, और जैसे हम इसमें सारी वैल्यू रखेंगे तो इंटीग्रेशन चेंज होगा जीरो से वन, वन माइनस यू अपॉन कैपिटल यू डी नीटा, और डेल आ जाएगा, है ना। डेल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं है तो डेल फ्री है। देखिए अब जैसे आप ये वैल्यू रखोगे, इंटीग्रेट करोगे, और मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप करके देखिएगा, आसानी से आ जाता है, कोई इसमें बड़ी समस्या नहीं होगी आपको। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा आपके पास डेल थ्री अपॉन टेन माइनस शेप फैक्टर अपॉन 120। ठीक है, जब आप इसको वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। इसी प्रकार से हमें डेल टू की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। डेल टू क्या होता है फॉर्मूला, जीरो से डेल यू अपॉन कैपिटल यू वन माइनस यू अपॉन, है ना, कैपिटल यू डी वाई। इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, पहले इस फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यही सब्स्टिट्यूशन काम में लेंगे हम। तो देखिए जीरो से वन डेल बाहर रहेगा, यू अपॉन कैपिटल यू वन माइनस यू अपॉन कैपिटल यू, ठीक है, डी वाई का डी नीटा। अब देखिए यू अपॉन कैपिटल यू को ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों जगह पे सॉल्व करेंगे, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो भी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, वो आएगा डेल 37 अपॉन 135 माइनस शेप फैक्टर अपॉन 945 माइनस शेप फैक्टर स्क्वायर अपॉन 9072। ठीक है, आप निकालिएगा आसानी से, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके चीजें आ जाएगी, इंटीग्रेशन से ये आ जाएगी डेल टू की वैल्यू। इसी सीक्वेंस में क्या निकालना है, टो नोट का फॉर्मूला हम जानते हैं, विस्कस फ्लो डायनेमिक्स में पढ़ा है, स्ट्रेस होता है। तो देखिए इसका क्या होता है, म्यू इंटू डेल यू बाय डेल वाई, वाई बराबर जीरो। ठीक है, ये होता है टो नोट। इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, नेटा की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए हमें इस डेल वाई को चेंज करना होगा, तो देखिए हम डेल वाई को क्या लिख सकते हैं, डेल वाई को चेंज कर सकते हैं डेल डी नेटा में। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या चेंजेस आएंगे, ये म्यू का म्यू, ठीक है, यहां से क्या जाएगा, एक डेल आ जाएगा, और डेल यू अपॉन डेल नीटा, ठीक है, एट नीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाई इक्वल टू जीरो को नीटा इक्वल टू जीरो से रिप्लेस कर सकते हैं। अब यू की बात करते हैं, तो देखिए यू का जो फॉर्मूला है वो कैसा है, यू इज इक्वल टू एफ, इसको एफ लिख रहे थे अपन, ठीक है, इसको क्या लिख रहे थे पूरे फंक्शन को, यू अपॉन कैपिटल यू इज इक्वल टू एफ ऑफ नीटा। इसको देखिए ऐसा लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू कैपिटल यू एफ ऑफ नीटा। देखिए उससे यहां पर क्या रिप्लेसमेंट आएगा, म्यू का म्यू डेल का डेल, ये जो कैपिटल यू है ये डिफरेंशिएशन से बाहर, है ना, डेल एफ अपॉन डेल नीटा, ठीक है, और नीटा डैश टू जीरो। ठीक है, ये होगा, और इसको भी हम आसानी से फाइंड कर लेंगे, इसका डेरिवेटिव करना है हमने ऑलरेडी बहुत बार किया है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, इट इज इक्वल्स टू म्यू कैपिटल यू अपॉन डेल टू प्लस शेप फैक्टर अपॉन सिक्स। ठीक है, ये वैल्यू आएगी, हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी इससे पहले भी, फिर मैं आपको बता देता हूं, आपको ये पहले ये सारे कोएफिशिएंट फाइंड करने पड़ेंगे, डेल वन डेल टू और टो नोट। देखिए मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं, कि आप कोशिश करना कि इन वैल्यूज को आप क्या कर लो, याद ही कर लो। ठीक है, क्योंकि इनको इंटीग्रेट करने में काफी टाइम जाएगा, क्योंकि पूरा जो मैंने अब तक बताया आपको कारमांस पॉल हासन, तो उसमें कंटिन्यू पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी होगी कि कभी जरूरत पड़े तो छोटे क्वेश्चन के लिए इनको डायरेक्ट याद रख लो, अदरवाइज अगर आपका अच्छा है स्पीड इंटीग्रेट करने का तो आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास क्या थी, ये हम कारमांस मोमेंटम इंटीग्रल निकाला था हमने। ठीक है, ये वो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अब हमें कुछ वैल्यूज रखनी है यहां से जो हमने निकाली है, और इसको चेंज करना है नई फॉर्म के अंदर।
तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा एडजस्ट करेंगे है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, या फिर बोल दूं मल्टीप्लाई करेंगे डेल टू ठीक अपॉन यू ठीक है वी न्यू से, ठीक है, इस क्वांटिटी से हम क्या करेंगे, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, और देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, इस यू से ये यू कट गया जैसे, और यहाँ पे क्या बच गया, डेल टू यू अपॉन न्यू कैपिटल यू बचा ऊपर एक डी डेल टू अपॉन डी एक्स, ठीक है, प्लस में यहां पर जब ये करेंगे, और तो यहां से तो देखो मैं क्या करूंगा, डेल टू भी कॉमन ले लूंगा, एक चीज ध्यान रखनी है, पूरी को इसे मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म से डेल टू को कॉमन लेना है, तो यहां बचेगा टू प्लस डेल वन अपॉन डेल टू, एक तो डेल टू यहां से कॉमन आ गया यहां पर, ठीक है, एक ये आएगा इससे स्क्वेयर, ये कट जाएगा, और एक न्यू, और ये टर्म डी यू बाय डी एक्स एज इट इज कैपिटल यू है इज इक्वल टू, यहां पर क्या चेंज आएगा देखो, डेल टू टू नॉट डेल टू अपॉन कैपिटल यू, और ये न्यू है, ठीक है, ये इस म्यू से इंटू, ये जो रो है इससे इंटू की क्या हो जाएगा, देखिए आपको याद होगा तो ये रिलेशन आपको याद होगा, ये देखिए ये रिलेशन होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके ऐसे, ये क्या है, ये है आपका विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है, ये रिलेशन होता है इनके बीच में, इसकी सहायता से ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, तो इसको क्या लिखा जा सकता है यहां पर, ये तो कैपिटल यू एज इट इज कैपिटल यू, और यहां पर ये न्यू, ये फॉर्म आ चुकी है। अब इस फॉर्म में देखिए क्या करेंगे हम ये जो क्वांटिटी है उसको मान लेंगे लैम्डा, ठीक है, एक वैल्यू मान लेंगे लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू डेल टू स्क्वायर अपॉन है ना न्यू डी यू बाय डी एक्स, ठीक है, ये मैंने यहां पे मान लिया है, देखिए, और साथ ही साथ ये डेल अपॉन डेल वन है, डेल वन अपॉन डेल टू, इसको मान लेंगे एच लैम्डा, ठीक है, ये हमने माना है कुछ कोएफिशिएंट्स है इनके अलग अलग है ना, जो क्या नाम से फिजिकल सिग्निफिकेशंस होते हैं, फिजिकल मीनिंग्स होते हैं, जो हम डिस्कस हालांकि नहीं करेंगे, हम इसकी एक नई फॉर्म देख रहे हैं क्या होगा, और हमने क्या माना है, हमने एक चीज ये मान ली, और ये जो क्वांटिटी है इसको हम मानेंगे आई, ठीक है, तो आई हम क्या मानेंगे, आई लैम्डा क्या मानेंगे, आई लैम्डा मानेंगे टो नॉट डेल टू अपॉन कैपिटल यू, और ये न्यू म्यू है, ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये सब हमने मान लिया, और उसके साथ में यहां पर देखिए, यहां पर ये सब चीजें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये तो देखिए एक ऐसा लिखा जाएगा कैपिटल यू, सॉरी कैपिटल यू, ठीक है, डेल टू अपॉन न्यू डी डेल टू अपॉन डी एक्स, यहां पे टू का टू, टू का टू, ठीक है, इसकी जगह पे एच एच, यहां पर इसकी जगह पे लैमडा एक वस्तु, यहां पर आई, इस पूरी क्वांटिटी को उधर ले जाएंगे, और यहां पर देखिए क्या चेंज करेंगे, इसको उधर ले जा रहे हैं, यहां पे चेंज करेंगे, ये जो डेल टू है, ठीक है, ये डेल टू, इसको इंटीग्रेशन के अंदर ले जाएंगे, तो देखो इसको ऐसा लिखा जाएगा u, ये म्यू को भी ले जाएंगे अंदर, क्योंकि ये भी फ्री फ्रॉम x है, ठीक है, तो इसको ऐसा लिखा जाएगा d डेल टू स्क्वेयर अपॉन है ना, इसको ऐसा लिखेंगे एक बार, d डेल टू स्क्वेयर अपॉन न्यू अपॉन में डी एक्स, ठीक है, और यहां से सब चीजें चली गई, और देखिए एक यहां पे जो 2 है इसके कारण से 1 अपॉन 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू इस टर्म को उधर ले जाऊंगा, तो उसको ऐसे लिखेंगे आई माइनस टू प्लस एच लैम्डा, ठीक है, और फिर ये जो 2 और u है इसको भी उधर ले जाऊंगा, तो फाइनली इस इक्वेशन का सिंप्लीफाई फॉर्म ये होगा, यहां से d ये हो जाएगा डेल 2, ठीक है, स्क्वेयर अपॉन न्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे तो इज इक्वल टू एल लैम्डा अपॉन, ठीक है, ये यहां से एक टू भी आ जाएगा और ये यू, ठीक है, अब देखिए एल लैम्डा क्या है, एल लैम्डा मैंने जो डिफाइंड किया है उसे हम देखते हैं, तो एल लैम्डा मैंने क्या डिफाइंड किया है, एल लैम्डा मैंने डिफाइंड किया है ये पूरी क्वांटिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टू, ठीक है, तो देखिए एल लैम्डा क्या है, एल लैम्डा इज इक्वल टू टू इंटू दिस होल क्वांटिटी आई माइनस ट्वाइस प्लस एच लैम्डा, ठीक है, ये हो गया न्यू, और इसी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल फंक्शन, ये यूनिवर्सल फंक्शन है, ठीक है, और ये अक्सर पूछ लेते हैं डिफाइंड यूनिवर्सल फंक्शन और ड्राइव द यूनिवर्सल फंक्शन फ्रॉम मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन, तो इस फ्लो में हम डिवाइड कर ड्राइव करेंगे, और ये सब क्वांटिटीज हमें निकालनी पड़ेगी, ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर हमें ये पूछ ले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, तब हम यहां से ये वैल्यू उठा के कैलकुलेट करके यहां रख देंगे, ठीक है, और यहां अगर एच लैम्डा की वैल्यू पूछ ले तो डेल वन अपॉन डेल टू, डेल वन हमने निकाल लिया, डेल टू यहां से निकाल लिया, इसको डिवाइड करके यहां लिख दो, ठीक है, यहां भी हम डेल टू की वैल्यू लिख सकते हैं, और ये कोएफिशिएंट की वैल्यू ये यहां से टोनोट से निकाल के लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमने ये पहले आपको बता दिए है कि ये सब चीजों की वैल्यू हमें चाहिए होगी, अगर कभी हमें एच लैम्डा लैम्डा
और आई लैम्डा की वैल्यूज पूछ ले, तो हम कहां से निकालेंगे, इन सब की सहायता से जो क्वांटिटीज हैं इनको सब्स्टिट्यूट करके हम ये वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये था यूनिवर्सल फंक्शन, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मार्सेल गोइंसन, यू आर वाचिंग लॉगम लैटिन फॉर मैथमेटिक्स।